वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ सूरत में सूरत के नामांकित पर्सनालिटी सिद्धांत लाइन प्राइवेट लिमिटेड के मिस्टर विक्रम पटोड़िया जी, जो सिद्धांत लाइन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी है, उनसे हम विशेष मुलाकात करने जा रहे हैं। आपका स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में, और आज हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि सूरत में अभी सिद्धांत 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 सब लोग कर रहे हैं, तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये सिद्धांत क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ ऐसा जानना चाहती हूँ कि जो सिद्धांत लाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कहाँ से शुरू हुई और इसकी शुरुआत कहाँ से की? सिद्धांत लाइन की शुरुआत सूरत से हुई थी 1996 में। और मतलब ये जो आपकी कंपनी है सिद्धांत लाइन प्राइवेट लिमिटेड, उसकी शुरुआत कहाँ से की? और ये मैंने ऐसा कुछ सुना है कि आपने जो पान की दुकान पे चूना मिलता है वहां से कुछ आपने शुरुआत की थी जी, और आज कैल्शियम लिक्विड चूना आप बना रहे हैं, तो वो ड्यूरेशन कैसे रहा आपका, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैडम, इसकी शुरुआत 1996 में सूरत से हुई थी, कतारगाम एरिया में जी। हमारा जो मेन बिजनेस था वो मेरे फादर डायमंड वर्कर थे। कुछ काम कम होने की वजह से फैमिली के अंदर इतनी इनकम नहीं हो रही थी कि जिससे कि हमारा फैमिली रूटीन तरीके से चल सके जी। उसके बाद में अचानक से पिताजी को आइडिया आया कि क्यों नहीं बच्चे लोग पेप्सी खाते हैं जो, और पेप्सी का धंधा किया जाए। उसकी शुरुआत हमने की, लेकिन उसके अंदर लॉन्ग टाइम हम इसलिए टिक नहीं पाए क्योंकि इसके अंदर हमको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। और स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़े तो ऐसा आइडिया आया पिताजी को कि अभी ये लोग जो पान खाते हैं तो पान जो फ्रेश रखने के लिए अगर चूना जो है उसको हम अलग से पैक करके पाउंड साइज बना के देंगे तो वो कभी भी पान खाएंगे तो फ्रेश रहेगा। तो हमने 1996 के बाद तुरंत ही पेप्सी के साथ में चूना बनाना चालू किया, और उसके साथ साथ में स्टेप बाय स्टेप हमने उसको मार्केट के अंदर वन बाय वन एक एक दुकान पे जाके हमने कस्टमर को समझाया कि ऐसे चूने को खाया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम था तो किसी को पता नहीं था कि ये चूने को इस्तेमाल भी कैसे किया जाए। तो पिताजी ने उसको समझाया, डेमो करके दिखाया, उसको रेडीमेड बना के बताया कि ऐसे इसको खाया जाता है, इसको इसमें इतना क्वांटिटी में डालना होता है, और स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने उसकी शुरुआत की। और एक के बाद एक स्टेप चढ़ते गए और ऊपर हम आते गए, और जैसे जैसे ऊपर आते गए उस हिसाब से हमको जो जो लगा कि हमको इतना यहाँ चेंज करना है, ये चेंज करना है, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते करते आज हम एक अच्छी पोजिशन पे, और हम सबके लिए कुछ ऐसा लेके आए जो हेल्थ प्रोडक्ट के रिलेटेड हो गया जी। ये चूना की हम जो बात करते हैं, चूने के बारे में बहुत लोगों को पता भी है और बहुत लोगों को नहीं भी पता है। चूना मींस कैल्शियम होता है मेरे ख्याल से, तो इसका जो आपने अभी नया जो लिक्विड चूना बनाया है उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन ये मैं ऐसे जानना चाहती हूँ कि मैं दर्शक मित्र आपको ये बताना भी चाहूंगी कि ये जो चूना है, चूना सिद्धांत लाइन प्राइवेट लिमिटेड, जो वर्ल्ड की एकमात्र फ्लेक लाइन कंपनी है, और इनके पास जो लाइसेंस है, शायद पहली बार ऐसा सुना होगा कि चूना वाले भी लाइसेंस लेते हैं, तो इनके पास जो लाइसेंस है FSSAI का लाइसेंस है, WHO का भी है, GMP का भी है, ISO भी है, और USFDA का भी लाइसेंस है, और बहुत ही जल्द उनको हलाल का भी लाइसेंस मिलने वाला है। तो ये जो लिक्विड चूना है वो देश भर में, मतलब विदेश में भी ये मिलेगा ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत सारे मतलब लोगों की जितनी भी बीमारियां है, जो भी आजकल जंक फूड वगैरह से बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तो इससे ये बहुत ही फायदा करता है। तो हम बिल्कुल ही विक्रम जी से ही जानना चाहेंगे कि ये जो चूना है वो क्या है और क्या फायदा करता है, जो आपने लिक्विड चूना जो बनाया है, कैल्शियम एल्डेक लिक्विड कैल्शियम चूना जो है, उसके बारे में आप बताइए जी। सिद्धांत चूना, चूना यानी सब समझते हैं कि चूना मतलब वो पान में खाया जाता है,
वो तो है ही, लेकिन चूने का यूज मल्टी यूज भी होता है, हर जगह पे उसका अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूना एक ऐसा नेचुरल सोर्स है जिसके अंदर से नेचुरली इतना सारा कैल्शियम मिलता है जो किसी और चीज से हमको नहीं मिलता है, जी और कॉस्ट वाइज भी बहुत सस्ता रहता है। और इसको हम लोगों ने जिस तरीके से बनाया और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब चूना जो होता है वो जमीन में से निकलता है, जी नेचुरल होता है वो, जी लेकिन सबका कहना है कि चूना जो है उसको पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का कहना है। हमारा कहना यह है कि हम जो चूना बनाते हैं चूना है, लेकिन उसको प्रोसेस क्या किया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जमीन में से जो भी चीज निकलती है उसके अंदर सिलिका, एस, हैवी पार्टिकल, हैवी मेटल सब होता है, उसको रिमूव करना पड़ता है और जी उसके बाद हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो लिक्विड चूना बना तो है, लेकिन ये भी चीज है कि इसे क्या क्या फायदा होता है वो हम पहले जानेंगे, क्योंकि कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट एंड अल्ट्राइन, ये जी सब आपने इसमें जी इंक्लूड किया हुआ है, तो वो कैसे है? चूना यानी लिक्विड कैल्शियम, इसको हम 95% प्योर करते हैं, और 95% प्योर करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने दो तीन चीज एक्स्ट्रा ऐड किया है, जिसके अंदर विटामिन D3 है, मैग्नीशियम है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जी कैल्शियम का काम है। कैल्शियम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम अगर बॉडी के अंदर नहीं है तो अपने बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, जी इसलिए हमको कैल्शियम डेली बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे कि हमारा मतलब एक साल से लेके जितने साल आदमी या तो कोई भी इंसान जिंदा रहता है उतने दिन उसको हर रोज कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, और रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे अभी 1000 mg मतलब 1000 mg से 1200 mg तक जी कैल्शियम रूटीन लाइफ में हमको डेली कहीं से भी लेना चाहिए। जी अगर वो कैल्शियम रूटीन लाइफ में नहीं मिलता है तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो है उसको 1000 mg से 1200 mg तक का कैल्शियम नहीं मिलेगा तो अपना जो बॉडी है वो कैल्शियम को हड्डियों में से एक्सट्रैक्ट करेगा, निकालेगा, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो 1200 mg की कहीं से भी उसको पूरी करनी है। अगर फूड में से नहीं मिला तो अपनी हड्डियों से वो कैल्शियम लेगा तो हड्डी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी और हड्डी जो है अपनी धीमे धीमे करके वो वीक हो जाएगी। जी तो ये तो कैल्शियम की हम बात हुई, क्योंकि आजकल सभी को यही प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम, B12, आयरन या तो विटामिन D3 नहीं मिलता है। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है महिलाओं को मेरे ख्याल जी से। तो जी ऐसा मानना है कि ये जो चूना है, पीने का चूना जो सिद्धांत लाइन का है, वो लेडीजों को तो ज्यादा से ज्यादा लेना जी चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। जी तो ये बात हुई हमारी चूने की, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि सब लोगों को ऐसा लगता है जी कि चूना पान की दुकान से अगर हम लेते हैं तो दो जी तीन रुपए का मिलता है, लेकिन ये जो चूना है उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, तो ये क्यों, क्या क्यों ऐसा फर्क है? हमारा चूना कॉस्टली है, महंगा है, क्योंकि चूना बहुत ही सस्ता होता है जो मिलता है वो, जी लेकिन सब इसको चूना ही समझ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अलग क्या है वो चूने से वो मैं आपको बताता हूँ। जब चूना बनाते हैं उसको प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर सिलिका, हैवी मेटल एस और हैवी मतलब जो भी अशुद्धियां है उसको निकालनी पड़ती है, तब जाके वो चूना पीने लायक बनता है। लेकिन जो चूना है वो चूने के अंदर विटामिन D3 और मैग्नीशियम नहीं है, मतलब कोई भी कैल्शियम आप बाहर से लेते हैं या तो चूना पीते हैं, दूध पीते हैं, केला खाते हैं, तो उसको बॉडी के अंदर डिजोल्व करने के लिए हमको सुबह सुबह हर रोज के लिए 1 घंटे की धूप मिलनी बहुत जरूरी है। अगर वो धूप नहीं मिलेगी तो अपना जो बॉडी के अंदर कैल्शियम जा रहा है वो बॉडी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, और जी डिजोल्व नहीं होगा तो वो कैल्शियम कुछ भी काम का नहीं है। जी अभी समझ लीजिए कि आप एक फार्मर है, एक खेडूत है, तो आप किसान है, तो आपको बॉडी के अंदर
सुबह सुबह आप खेत में तो जा ही रहे, तो बिल्कुल आपको सनलाइट मिल गया, उसमें से विटामिन D3 मिलेगा। आप दूध पी रहे हैं, तो दूध केला सब प्योर होता है गांव में, उसमें से कैल्शियम भी मिलता है। फिर भी गांव के अंदर सुनने को मिलता है कि आपको ज्वाइंट प्रॉब्लम है। हमारे गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि वानी तकलीफ। जी हाँ, जी मतलब जो हाथ पग में सूजन चढ़ना, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम और D3 दोनों की रिक्वायरमेंट तो है ही, लेकिन उससे पहले हमको बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मैग्नीशियम का काम जो है, मैग्नीशियम का काम बॉडी के अंदर ये है कि जो अपना ब्लड है और बोन है, उसमें कैल्शियम का परसेंटेज अलग अलग होता है। जी ब्लड के अंदर 10% कैल्शियम है, बोन के अंदर 90% कैल्शियम। जब आप कैल्शियम और विटामिन D3 बाहर से ले रहे हैं, तो आपके बॉडी के अंदर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्या होगा? मैग्नीशियम जो है वो डिसाइड करता है कि ब्लड में कितना कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है और बोन में कितने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। और जी मैग्नीशियम है वही, वो डिसाइड करता है कि कहाँ पे कितना कैल्शियम जाना चाहिए। अगर मैग्नीशियम बॉडी के अंदर नहीं है, तो आप जितना भी बाहर से कैल्शियम ले रहे हैं, वो आपको फायदा करने की जगह नुकसान कर रहा है। और मैग्नीशियम आपको कहाँ से मिलता है? मैग्नीशियम भी आपको नेचुरल फूड में से भी मिलता है। और सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट बात बता दो, मैग्नीशियम आपको जो RO प्लांट है उसके अंदर वेस्टेज वाटर है, और वेस्टेज वाटर के अंदर जो मिनरल्स है उसके अंदर मैग्नीशियम है। और अगर मिनरल्स आपके बॉडी में नहीं जा रहे, आप फिल्टर का वाटर पी रहे हैं, तो आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम जा रहा है वो आपको फायदा की जगह नुकसान ज्यादा करवा सकता है। और हर एक प्रकार की डिसीज की शुरुआत वहां से होगी जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगा। ब्लड में जी कैल्शियम इसलिए बढ़ेगा कि मैग्नीशियम नहीं होगा, तो जितना भी आप कैल्शियम ले रहे हैं वो सबका सब कैल्शियम ब्लड में जाएगा, और ब्लड के अंदर एक्सेस कैल्शियम होगा तो आपको किडनी स्टोन वगैरह भी आपको हो सकता है। जी बहुत ही अच्छी। हम ये बोलते हैं कि पीने का चूना, मतलब ये सुनने, जो कोई लोग अचानक से ऐसे सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्या है। तो आज हमें इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है कि इसे अगर हम नहीं लेते हैं तो हम मूर्ख हैं, अगर इसे पीते हैं तो हमारी हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसा मैं कहना चाहूंगी आपको। और ये चीज, अभी दूसरी बात हम ये करेंगे कि ये जो पीने का चूना है, लाइक एल्केड लिक्विड जी कैल्शियम, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो ये कैसे यूज करते हैं, मतलब कैसे पिया जाता है, तो वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। सुबह उठ के तुरंत ब्रश नहीं करना है, जी 250 ml वाटर लेना है, जी और वो पानी नौ शेका जो बोलते हो, मतलब गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, वैसा हल्का सा गर्म रहना चाहिए। उसमें हमारा जो अल्केल मतलब लिक्विड कैल्शियम का जो ड्रॉपर आती है जो 10 ml की है, उसको हिला के 2 ड्रॉप्स डालना है पानी में, और पानी को हिला के तुरंत पी जाना है। और 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। और शाम को सेम कि जब हम खाना खा रहे हैं उसके 1 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं है, और उसके बाद 1 घंटे के बाद 1 गिलास गर्म पानी, उसमें 2 बूंद चूना डाल के हिला के उसको पी जाना है। तो जी उसको उसमें से आपको फायदा क्या रहेगा, जब आप 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को आप जब पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर 400 mg कैल्शियम जाता है। और मतलब रिक्वायरमेंट अपनी पर डे की 1200 mg की है, जी लेकिन हम जो आपको दे रहे हैं वो 400 mg कैल्शियम ही दे रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि आप बाहर से जब फूड खाने वाले हैं कोई भी, उसके अंदर से आपको बहुत सारा कैल्शियम मिलता है, लेकिन वो इनफ नहीं है, इसके लिए हम अलग से एक ड्रॉपर लेकर आए मार्केट। जी बहुत ही अच्छा है कि ये 2 बूंद सुबह आपको सिर्फ पीना है, और बाकी की जो विशेष जानकारी है वो भी हम आपको दे रहे हैं कि ये जो चूना है वो 2 बूंद पीते हैं, लेकिन कौन पीना पिएगा इसको, मतलब कौन सी एज के लोग पी सकते हैं इसको। इसके अंदर 5 साल से लेके जितने साल से जिएंगे, मतलब 100 साल तक, 150 साल तक, जितने साल हम हमारी जिंदगी होती है तब तक हम उसको डेली बेस पे भी ले सकते हैं, और उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी लेकिन कि ऐसा भी मानना है किसी का कि भाई ये अगर हम डेली पीते हैं तो इसकी हमें आदत हो जाएगी, जैसे पान खाते हैं तो पान जी की आदत हो जाती है, या किसी को किसी भी चीज का भी असर है, तो ऐसे ये ऐसा होता है क्या?
ऐसा मेरे को भी अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने पूछा था जी कि हम ये चूना ले रहे हैं तो हमको इसकी आदत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि जी वो भाई का ऐसा सोचना था कि पान में जो चूना खाते हैं, जो टोबैको प्रोडक्ट के साथ खाते हैं, वैसे ये चूना है। लेकिन ये चूना को आप मेडिसिन के तरीके से देखे, नहीं कि आप उसको हैबिट के तरीके से, मतलब जी ये कोई निकोटिन नहीं है कि इसकी आदत हो जाएगी। देखिए जी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आपके वहां पे एक बाइक है उसको चलाना है तो उसके अंदर जितना पेट्रोल होगा उतनी बाइक चलेगी, जी अगर उसमें पेट्रोल नहीं और बाइक न चलानी है तो नहीं चलेगी। ऐसे अपनी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसको हर रोज का 1200 mg कैल्शियम चाहिए। अगर वो कैल्शियम नहीं मिलता है तो बॉडी जो है अपनी वन टाइप ऑफ इंजीनियर है, और जी वो कैल्शियम को पूरा करने के लिए बोन में से कैल्शियम को निकालेगा, तो बोन अपना फिर बहुत ही कमजोर हो जाएगा। उसकी वजह से हमको रूटीन लाइफ में कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। जी जी इसे अभी मतलब पीने के बाद क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पीते हैं तो शायद कई लोगों को ऐसा है कि हम कोल्ड ड्रिंक के साथ पी लें, या तो चाय के साथ पी लें, जी या तो पानी के साथ अगर यूज नहीं करते हैं, किसी और चीज के साथ यूज करते जी हैं, तो इसका फायदा क्या और नुकसान क्या है? चूना जो है, मतलब जो लिक्विड कैल्शियम जो है हमारा, जी जिसको पीने का एक ही तरीका है, सुबह उठ के बासी मुंह और शाम को सोने से पहले। अगर उसको चाय के साथ पियेंगे तो एसिडिटी होता है। जी अगर आपको एसिडिटी है और अगर आपने चूना पिया तो एसिडिटी जो है आपकी निकल जाएगी। एक ही प्रोडक्ट का मल्टी यूज है, हाँ तो उस हिसाब से लेकिन उसको प्रॉपर प्रॉपर यूज करना यूज बहुत करना जरूरी बहुत है। जरूरी है। जी और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम लोग इसको छाछ के अंदर डाल के पी सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं पी सकते। खाने के साथ में चूना नहीं पिया जाता है। बहुत सारे वीडियोस भी ऐसा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि आप चूने को दाल, छाछ, मतलब कोई भी खाना है उसके अंदर डाल के भी पी सकते हैं, लेकिन वो तरीका बिल्कुल गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि चूना जो है वो अल्कलाइन है, और अल्कलाइन जब अपने अपना जो बॉडी है उसका जो सब पाचन होता है, जो भी डाइजेशन है, वो सबका सब अपना एसिड से होता है। अपने जी बॉडी के अंदर एसिड होता है और वही डाइजेशन करता है। और अल्कलाइन वाटर ये मतलब कि अल्कलाइन जब आपने फूड में डाला वो फूड आपका अल्कलाइन हो गया, और अल्कलाइन वाला जो भी फूड बॉडी में जाएगा तो इसमें ये प्रॉब्लम होगी, आपका डाइजेशन जो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और स्लोली स्लोली उसको आपकी साइड इफेक्ट दिखने से वो हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये भी एक बात है कि चूना अगर ऐसे ही हम पान की दुकान से लेके खाते हैं तो बहुत सारे लोगों को पथरी हो जाती है, ये मैंने सुना है। जी सो इससे क्या पथरी होगी, या पथरी वाले लोग इसे पी सकते हैं क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है। गले से, पान के दुकान से लेके जो चूना खाएंगे तो पथरी तो होगी, लेकिन बहुत सारी बीमारी और भी पेट में मिलेगी। और जी इसलिए क्योंकि तो जो मैंने आपको समझाया कि जब चूना नेचुरल सोर्स है और जमीन में से निकलता है, उसको 1100 डिग्री टेम्परेचर देने के बाद वो कली चूना हो जाता है, लाइमस्टोन बन जाता है। और जब वो लाइमस्टोन बन गया तब उसके अंदर सिलिका, एस, हैवी मेटल सब प्रेजेंट होता है, और उसको निकालना बहुत जरूरी है। और हैवी पार्टिकल मतलब जो आप पान गले से लेंगे चूना, तो इम्प्योरीफाई है, और इम्प्योरीफाई लाइम आप नहीं पी सकते, और उसके अंदर विटामिन D3, मैग्नीशियम कंपल्सरी है। और जी जो हम ये चूने की बॉटल हम लोगों ने बनाई है उसके अंदर हमने ये सब एडिटिंग किया है, मतलब जो कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम, वो सबको अपनी US RDA के हिसाब से जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से स्पेशल हमारे वहाँ रिसर्च सेंटर के अंदर बार बार अलग अलग जगह पे टेस्टिंग होता है, और उसके बाद में हम मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जी और इतने सारे लाइसेंस के साथ है, और थोड़ी टूक ही समय में इसको मेडिकल स्टोर में भी उपलब्ध किया जी जाएगा। सो ये एक हेल्थ प्रोडक्ट है, मतलब हम हमारी हेल्थ के लिए कुछ भी करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो ये एक हेल्थ प्रोडक्ट ही है। अगर एक बार इसे जरूर से यूज करिएगा, क्योंकि इसे यूज करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका फायदा क्या है। जी सो इसके फायदे तो हम लोग तो आपको बोल ही रहे कि इतने फायदे हैं, लेकिन जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इसके फायदे क्या है। जी तो जरूर से इसे आप यूज करिएगा और पीजिए, क्योंकि
महिलाओं को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इससे एनर्जी लेवल भी शायद बढ़ता है। और हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं कि इससे जो फायदा मेन मेन जो चीज है जी वो दांतों के दर्द में कुछ फायदा रहता है। आपने जो आपके प्रोसेस पैम्पलेट्स में बताया है जी तो वो आप बताइए कि जो मेन जो फायदा है वो क्या है। सी अगर हमको हाथ पग पाँव में सूजन आ रही है, तो जी अगर जिसको सालों से हाथ पाँव में सूजन है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो वो 100% इसका इलाज है चूना। जी दूसरा, अगर हम को कहीं पे भी लगता है, कुछ भी घाव लगता है, तो हमारे वहां पे किसान लोग जो है, और पहले उसको कुछ घाव लग जाता था, तो वो क्या करते थे, वो तंबाकू की पुड़िया के साथ में एक चूने की टोटी आती थी, जी उसमें से निकाल के उसके ऊपर लगा देते थे, तुरंत ब्लड वहां पे क्लॉट हो जाता, और इसका इन्फेक्शन भी बॉडी में नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम है, और कैल्शियम बॉडी में जरूरत के हिसाब से रहेगा, तो कहीं पे भी कोई भी इंजरी होगी तो आपको तुरंत ही वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, मतलब वहां से खून रुक जाएगा। अगर कैल्शियम की कमी है तो उसमें रुझान आने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरा, अगर विटामिन बी ट्वेल्व की प्रॉब्लम है, तो जी विटामिन बी ट्वेल्व भी अभी बहुत जगह पे प्रॉब्लम है। सबका कहना यह है, कुछ डॉक्टर लोग बताते हैं आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसलिए विटामिन की कमी सबसे ज्यादा वेज लोगों को होती है। डॉक्टर की बात सच है, लेकिन मेरा यह कहना है कि कैल्शियम जो है, हम लोगों ने रिसर्च करके ये निकाला है कि जब आपके बॉडी के अंदर पूरा कैल्शियम नहीं होगा, तो बाहर से लिए हुए फूड में से विटामिन बी ट्वेल्व बनेगा ही नहीं। जब बॉडी के अंदर पूरा जरूरत के हिसाब से कैल्शियम होगा, तभी बाहर से लिया हुआ फूड के अंदर से विटामिन बी ट्वेल्व बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। इसलिए कैल्शियम उसमें भी बहुत जरूरी है। अगर आपको हाथ पांव डाइजेशन के प्रॉब्लम है, हाथ पाँव में सूजन है, दांत का दर्द है, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर पुराना अगर दर्द कर रहा है, अगर नया फ्रैक्चर हुआ है तो उसको जॉइंट मिलाने में बहुत काम का है, मतलब हर जगह पे इसका मल्टी यूज हो सकता है। और इसके अंदर हमने एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी ऐड की है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का काम यह है कि जो फ्री रेडिकल है उसको बैलेंस करेगा, मतलब कैंसर जैसी बीमारी से भी आप बच सकते हैं। और चूना नेचुरली एंटीबायोटिक है, मतलब अगर सुबह और शाम 2 बूंद आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं रूटीन लाइफ में, तो आपको बहुत 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 हद तक बाहर से वायरल इन्फेक्शन लगने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाएगा। और ज्यादातर अभी ये हो रहा है कि जंक फूड में से हम जब मैदा खाते हैं, उसके साथ में हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें से फ्री रेडिकल जो बनते हैं उसको बैलेंस करने का काम भी हमारा चूना करेगा। जी मतलब वाटर को अल्कलाइन करता है। जी जी आजकल लोग अल्कलाइन वाटर मशीन लगा रहे हैं, जी जो अगर हाँ मशीन लगा नहीं सकते हैं तो अगर इससे आप ये पीते हैं आप चूना तो शायद मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, जी आपका वाटर जो है वो अल्कलाइन हो जाएगा। 2 बूंद चूना सिर्फ पानी में डाल के पीना है आपको। लेकिन एक और बात भी है कि ये चूना जो है वो बच्चों को भी बहुत बेनिफिट करता है, क्योंकि ये चाइल्ड आजकल का जो जनरेशन है जो मेमोरी पावर तो है ही, जी लेकिन ये चूना पीने से बहुत ही अच्छी मेमोरी आती है, मैंने ऐसा सुना है, तो क्या ये सही है क्या? कैल्शियम की कमी होती है तो मेमोरी पावर कम हो जाता है, जी और दूसरा बहुत सारी बीमारियां, मतलब बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ पेन जो भी बीमारियां आ रही है वो कैल्शियम की कमी की वजह से ही आ रही है। अगर कैल्शियम नहीं है तो आगे का फंक्शन काम ही नहीं करेगा, इसलिए कैल्शियम अपनी बॉडी के अंदर रूटीन लाइफ में होना बहुत ही जरूरी जरूरी है। है, मतलब बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी को, मतलब सीनियर सिटीजन के जितने भी लोग हैं सबको कैल्शियम की कमी होती ही है और सबको लेना जरूरी है। तो अभी हम बात करेंगे, ये हमने आज आपको समझाया कि ये चूना एक्चुअली है क्या, और आप सभी को ये जानकारी मिल गई होगी कि एग्जैक्टली ये पीने का चूना क्या है। तो हम अभी बात करेंगे कि ये चूना अगर चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आप बताइए सर। ये चूना आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, हमारी जी ऐप है सिद्धांत लाइन करके, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जी हमारी वेबसाइट भी है सिद्धांत लाइन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ऊपर से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जी और सूरत के अंदर 70% से ज्यादा मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, और बाकी का सिटी जैसे राजकोट, अहमदाबाद है,
और जैसे जूनागढ़ है वहाँ पे भी बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे अभी अवेलेबल हो गए। और अगर आप कोई गांव में रहते हैं और आपको सिटी में लेना बहुत दूर पड़ रहा है, आप उसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी बहुत ही अच्छी बात है, मतलब मैक्सिमम सिटी में मुंबई में भी अवेलेबल है, जी मुंबई में सब बॉम्बे, बहुत जी जगह पे अवेलेबल है। आप एक बार हमारी मतलब जी सिद्धांत लाइन की जो वेबसाइट है उसी पे जाएंगे या तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पे कौन सी जगह पे अवेलेबल है। लेकिन आउट कंट्री में कहाँ पे अवेलेबल है आउट कंट्री के अंदर अभी हमारा यूएस में, जी, इंडिया से बाहर? जी इंडिया से बाहर यूएस के अंदर मिल रहा है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, अफ्रीका में है, जी इधर श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां पे भी अवेलेबल है, और बाकी के सिटी में बहुत जल्द, जी और इंडिया से बाहर भी बहुत सारी जगह पे शायद 1 साल के अंदर हम सोच रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा टारगेट से बन रहा है उस हिसाब से रेगुलर होने में अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वर्ल्ड वाइड ये प्रोडक्ट सब जगह बिकेगी। जी बहुत ही अच्छी बात है, सब जगह पे, क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसी दिक्कत भी हो रही है कि ये इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इजी अवेलेबल हो जाएगा। और ज्यादा आपको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, वीडियो अगर आपको देखना है इसका, तो यूट्यूब चैनल सिद्धांत लाइन की जो है, सिद्धांत लाइन PVT LTD, अगर आप यूट्यूब पे आप करेंगे तो आपको यूट्यूब के इसके बहुत सारे वीडियो भी देखने को मिलेंगे। उसको सिर्फ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस अगर पोस्ट होते हैं तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। और बाकी की जो हेल्पलाइन है, नंबर है, वो आप सर एक हेल्पलाइन नंबर बता दीजिए कि जी ताकि लोग इस पे कांटेक्ट कर जी सके। मेरा हेल्पलाइन नंबर आपको बताने से पहले और एक चीज भी बताता हूँ आपको जी कि इंडिया के बाहर जी बहुत सारे ऐसे कंट्री है जी जहाँ के गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को 40 साल के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट कैल्शियम की टेबलेट दे रही है, जी और इसलिए दे रही है कि 40 साल के बाद हमारा बॉडी कैल्शियम बनाना ही बंद कर देता है। जी आप भले ही कैल्शियम वाला कोई भी फूड ले रहे हैं लेकिन उसमें से बॉडी में कैल्शियम बनेगा ही नहीं, तब आपके बॉडी को एडिशनल कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। और जी वो बाहर के कंट्री में है और अपने कंट्री में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन है, पहले उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो इस्तेमाल करेंगे तो उसको रिजल्ट दिखेगा, जी और हम इसके ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं। और जी आपको अगर प्रोडक्ट मंगवानी है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9427062163, जी वापस एक बार रिपीट कर दीजिए जी सर। 9427062163। जी इसका रिजल्ट भी 10 या 15 दिन में अगर पीने के बाद शायद मिलता है, ऐसा देखिए सुना है अगर मैंने। हमारा ये टीम है कि अगर आपने सब जगह से दवाइयां ले ली जी और अभी आपको लगता है कि हमको फर्क नहीं पड़ रहा है और आपको इतनी तकलीफ है जो आपसे सहन नहीं हो पा रही, जी तो उसको तीसरे चौथे दिन ही पता चल जाएगा कि मेरे को रिजल्ट दिखा। और अगर आपको कम कोई भी तकलीफ है, 76 से ज्यादा बीमारी में काम लगता है, अगर आपको ऐसा कम प्रॉब्लम है तो आपको समझ में आएगा, उसमें 10-15 दिन निकल जाता है क्योंकि कम प्रॉब्लम में धीमे धीमे कोई स्लोली स्लोली रिकवरी आएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमको कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। उसका रिजल्ट का टाइम ड्यूरेशन टाइम है 3 दिन से 15 दिन। बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी एक चीज आपको बता दें कि अगर आपको डीलरशिप लेनी है या इसकी फ्रेंचाइजीज लेनी है जी कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में या किसी भी मतलब सिटी में, तो जरूर से आप सिद्धांत लाइन प्राइवेट लिमिटेड का कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे सब आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो और भी बहुत कुछ जानेंगे हम हमारे ऐसी चैनल के माध्यम के साथ। हमारे चैनल देखने के लिए आप एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल गूगल पे सर्च करिएगा, फेसबुक वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल जो है हमारा डिजिटल चैनल है, सो उस पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। और ऐसे ही आइकॉनिक पर्सनालिटी की भी आपको मुलाकात हम करवाएंगे। तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जी।